हेलो फ्रेंड्स, इंडियन किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं राजमा। राजमा चावल तो हर घर में खाया जाता है और सबको बहुत पसंद आता है। इसके लिए हमको चाहिए बॉइल्ड राजमा, प्याज, टमाटर की प्यूरी, धनिया, हल्दी, मिर्च, मसाले जो कैजुअली यूज़ होता है राजमा को कुक करने के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। उसके लिए सबसे पहले पैन में आप थोड़ा ऑयल लीजिए। ऑयल के गर्म होते ही हम उसमें जीरा ऐड करेंगे। अब हम इसमें चॉप्ड प्याज डाल देंगे। प्याज को थोड़ा ब्राउन होने तक हम लोग कुक कर लेंगे। प्याज थोड़े से भुन गए हैं, कलर इनका चेंज हो गया है। अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। क्रश किए हुए तेज पत्ते, यहाँ मैंने दो तेज पत्ता लिया है जिसे मैंने क्रश कर लिया है। अब हम इसमें अदरक और मिर्च का पेस्ट डालेंगे। आप पेस्ट कद्दूकस कैसे भी यूज़ कर सकते हैं। भी प्याज के साथ भून लेंगे। हल्दी पाउडर, गरम मसाला पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, ये सारे मसाले आप अपने टेस्ट और फ्लेवर्स के अकॉर्डिंग जैसा आप पसंद करते हैं वैसा डाल लीजिए। दो टमाटर जिसकी मैंने प्यूरी कर ली है, कद्दूकस करके मैंने उसकी प्यूरी बना ली थी, अब हम इसमें वो ऐड करेंगे। नमक रिक्वायर्ड जितना हो, आप जितना खाते हो स्वाद के अनुसार नमक। लिड लगा के थोड़ी देर इसे पकने देंगे। उतनी देर में हम इस राजमे को एक छोटी कटोरी में या किसी प्लेट में ही निकाल करके मैशर से एक थोड़ा सा पोर्शन बिल्कुल मैश कर लेंगे। इस तरीके से ये मैश्ड राजमा है। इससे हमारी ग्रेवी को थिकनेस मिलेगा और हमारी ग्रेवी थोड़ी गाढ़ी हो जाएगी। बाकी के राजमा को हम लोग एज सच साबुत ही यूज़ करेंगे। ये बॉइल्ड है। मसाले भून रहे हैं, 2 मिनट इसे यूं ही पका लेंगे। मसालों को तेल छोड़ने तक पकाना है। अब हम इसमें अपने मैश्ड राजमा को ऐड कर देंगे। दबा करके इसे बिल्कुल ही आप मसालों के साथ मिक्स कर लीजिए और थोड़ी देर भून लीजिए। इस तरीके से मैश कर करके राजमे की ग्रेवी बेसिकली टमाटर पे बेस्ड होती है, इसीलिए इसमें टमाटर का यूज़ प्याज से ज़्यादा किया जाता है। अब हम इसमें ये बॉईल किए हुए राजमा को ऐड कर देंगे। मुझे थोड़ी ग्रेवी वाली राजमा पसंद है, इसीलिए मैं इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड करूँगी। तो ये मैं यहाँ एक कटोरी पानी छोटी कटोरी से ऐड कर रही हूँ। थोड़ा सा पानी और, ग्रेवी की कंसिस्टेंसी आप अपने अकॉर्डिंग रख लीजिए। मैश करके राजमा थोड़ा सा डालने की वजह से ग्रेवी अपने आप थिक हो जाती है, उसको अलग से थिकनेस प्रोवाइड करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती।
और बाकी के राजमा आपके वैसे ही साबुत दिखेंगे, इसलिए सर्विंग में बहुत प्यारे लगते हैं। थोड़ी देर ढक के पानी में बॉयल आने तक पका लीजिए। ये देखिए राजमा तैयार है, अब हम इसे सर्विंग बोल में निकाल लेंगे। धनिया से अब हम इसे गार्निश कर लेंगे। धनिया इसके ऊपर डाल करके थोड़ा सा स्टर कर दीजिए। और ये देखिए हमारे टेस्टी राजमा तैयार हैं।